बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी खूबसूरत गुफ्तगू से हमारी समातों को महसूस फरमा रहे थे। पीर तरीकत रहबरे अहले अकीदत हुजूर पीर सैयद मोहम्मद फजले उस्मान हैदर शाह जी, आप खूबसूरत अंदाज में अपनी गुफ्तगू फरमा रहे थे। बस इस बात के साथ मैं अपनी हाजिरी का इख्तिताम करता हूँ कि मिसाली है जमाने में वफा सिद्दीक अकबर की। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मिसाली है जमाने में वफा सिद्दीक अकबर की, रहे हर दम मेरे लब पर सना सिद्दीक अकबर की। मिसाली है जमाने में वफा सिद्दीक अकबर की, रहे हर दम मेरे लब पर सना सिद्दीक अकबर की। और लिबासे टाट पहनो हुक्म था ये सब फरिश्तों को, लिबासे टाट पहनो हुक्म था ये सब फरिश्तों को। पसंद आई थी जब रब को अदा सिद्दीक अकबर की, लिबासे टाट पहनो हुक्म था ये सब फरिश्तों को। पसंद आई थी जब रब को अदा सिद्दीक अकबर की। जनाबे उस्मान ने हमको दिया है ये दर्स, हया वाले ही करते हैं हया सिद्दीक अकबर की। और अली ने उसको ही देना है परवाना रिहाई का कि जिसके कल्ब में होगी विला सिद्दीक अकबर की। अली ने उसको ही देना है परवाना रिहाई का, अली ने उसको ही देना है परवाना रिहाई का कि जिसके कल्ब में होगी विला सिद्दीक अकबर की। और शैतान जहन में जो डालता है वसवसा, ख्याल ही ख्याल में सिद्दीक सामने करो। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। शैतान जहन में जो डालता है वसवसा, ख्याल ही ख्याल में सिद्दीक सामने करो। अबू जहल जो मानता नहीं मेराज का सफर, तो ऐसी सूरत हाल में सिद्दीक सामने करो। और हश्र का दिन है गर शदीद तर, तो राज हमको क्या है डर, खुदा है गर जलाल में सिद्दीक सामने करो। हश्र का दिन है गर शदीद तर, तो राज हमको क्या है डर, खुदा है गर जलाल में सिद्दीक सामने करो। मोहब्बत के साथ सदाए चूरा शरीफ बुलंद कीजिएगा। मैं बड़े अदब के साथ अपने लजपाल मुर्शिद की बारगाह में माइक पेश कर रहा हूं। आप अपने दुरे नासुख्ता से हमारे खाली दामनों को भरेंगे नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, फैजाने खाजगाने चूरा शरीफ, सदाए चूरा शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुर्सलीन, खातमन नबीजीन, शफीअल मुज़निबीन, अनीसिल गरीबीन, रहमतन लिल आलमीन, राहतिल आशिकीन, मुरादिल मुश्ताकी, जद्दिल हसन वाल हुसैन, मौलाना व मौला सकालैन, अबिल कासिम मुहम्मद इब्न इब्दिल्लाह, नूर मिन नूरिल्लाह। या अय्युहल मुश्ताकूना बिनूरे जमालही सल्लू अलैहि व आलिही, अम्मा बाद। फाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम व सुल्तानिल कदीम मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सानियस्नैन इज़ हुमा फिल ग़ार इज़ यकूलू लिसाहिबिही ला तहज़न, ज़मानो मकान की कोई कैद नहीं, जिंदगी और मौत की कोई कैद नहीं, ला तहज़न, जिंदगी और मौत की कोई कैद नहीं, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। वकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
اتقون عن الحراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا 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 صلوا عليه وسلموا تسليما وہ سبھی سبز پگڑی والے آگے آ جائے اب آگے آئے میرے انتہائی عزیز دوستو عزیزو بچوں بھائیو آج بڑی ایک عاشقانہ محبوبانہ محفل کا انعقاد ایک درویش نے کیا آتے آتے دیر ہو گئی کچھ حالات کا تقاضا کوئی رستے کی پابندیاں کچھ موسمی پوزیشن مگر بہر کیف حاضری ہو گئی مجھ سے قبل آپ نے صاحبزادہ صاحب سے نوجوان ہیں خوبصورت گفتگو اللہ کے محبوب بندوں کی سنی کہ اللہ نے ان کو کیا اختیار دیے ہیں یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی مگر ایک سمندر کو کوزے کے اندر بند کیا گیا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کیا اختیار دے رکھے ہیں آج اس دور میں شکلیں بھی بڑی خوبصورت ہیں اور مزید شکلیں خوبصورت بنانے کے لیے بازار سے اچھی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں ٹوپیاں مل جاتی ہیں عمامے مل جاتے ہیں جبے مل جاتے ہیں مگر ایک بندے آکھیا سی بھی سنیا سی کروڑ دا سنیا سی کروڑ دا تے ویکھیا تے ہزار دا سنیا سی کروڑ دا تے ویکھیا تے لکھ دا راہ پیا تے ہزار دا تے واہ پیا تے ککھ دا شکلیں بھی خوبصورت پیار کے دعوے بھی بڑے بازو اچھال اچھال کے ممبروں کے تختے توڑ دیئے مگر محبوب نے جن سے پیار کیا اب محبت کا تقاضا کیا ہے محبت کس کو کہتے ہیں پتھر مارنے کو محبت کہتے ہیں کیچڑ اچھالنے کو محبت کہتے ہیں جس سے محبت کی جاتی ہے خواہ وہ کیسا ہی ہوگا اس کے ساتھ کا اپنی نظروں میں جچتا کوئی نہیں فارسی کی ایک حکایت میں ایک بات نقل ہے کہ عرب کی سرزمین مدینہ طیبہ پہ مولا مشکل کشا کا دور تھا ایک آپ کا خادم تھا عبداللہ بن کوئی اس قسم کا اس کا نام تھا اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام اس نے قیس رکھا تھا
जिसका नाम उसने कैफ रखा था। ये भी याद रख ले नजराने अकीदत के तारीख का वो पहला मजलूम था, इससे पहले कोई मजलूम नहीं हुआ। ऐसा जलवा है हुसैनी, ये इशारा मैंने दिया है कि वो अपने होशो हवास खो के जिधर देखता उसे एक ही जलवा नजर आता, एक ही नूर नजर आता, एक ही जलवा नजर आता। पर्दा हरीमे नाज का उठने की देर थी, पर्दा हरीमे नाज का उठने की देर थी कि मैं हुसन के हसीन नजारों में खो गया। वो हर वक्त एक तस्बीह पढ़ता था, किसकी तस्बीह? लैला लैला करता था। मौलाना रूम का इरशाद है, लैला लैला करता था। अब किसी ने पूछा भी तूने करीब होके देखा? नहीं। कोई वक्त गुजारा? नहीं। बस एक नजारा है, नमाज में खड़ा है मौलवी साहब, पीर साहब, आगे से कोई बंदा गुजरा, वही मजजूब दरवेश, तो उन्होंने नमाज को छोड़ा और उसे पकड़ लिया। नमाज के आगे से गुजरा है, तुझे हया नहीं आती? मैं नमाज पढ़ रहा हूं। उसने कहा अच्छा मुझे क्या पता है नमाज किसको कहते हैं, मुझे तो नहीं पता नमाज क्या होती है, बताओ। उसका तुझे नहीं पता, तू मुसलमान नहीं है? कहा हूं तो मुसलमान, मगर कोई उसका मफहूम तो मुझे समझा ना कि मेरी समझ में आए कि नमाज किसको कहते हैं। तो उसने कहा कि नमाज का मफहूम ये बनता है कि एक बंदा अपने रब से बातें करता है, एक बंदा अपने रब से बातें करता है, अर्ज़े करता है, उसकी तारीफ करता है। उसने कहा तो फिर इसका मकसद ये हुआ कि वो उसकी तारीफ में माव है, मनो तू की होश ही नहीं। अगर वो इधर उधर भी देख रहा है, इधर उधर भी देख रहा है, कभी इधर कभी इधर कभी उधर, क्या मकसद हुआ बात करने का? बात करने का मकसद तो ये है कि वो उसमें खो जाए, वो उसमें खो जाए, ना उसको खबर हो ना उसको खबर हो, इस माहवियत से गुफ्तगु हो कि सुनने वाला बड़े ध्यान से सुने और करने वाला इतने ध्यान से गुफ्तगु, इतने ध्यान से बहस करे कि और किसी को खबर ना हो। तू बातें उससे कर रहा है, देख मुझे रहा है। मैं एक बीबी है जिसका नाम लैला है, मैं उससे बावे हम कलाम हूं, मैंने तुझे नहीं देखा और तू कायनात के मालिक से बातें कर रहा है और मुझे देख रहा है, मैंने तुझे नहीं देखा, तूने मुझे देख लिया, मैंने तो तुझे नहीं देखा। अल्लाह अकबर। मौला कायनात शेरे खुदा हल अता, आपके जिस्म अतहर में कांटा लगा, बहुत कोशिश की गई, निकला नहीं, निकला नहीं। बड़ी मशहूर बात है, आपने फरमाया जब मैं मुसल्ले पे खड़ा हो जाऊंगा तो निकाल लेना। एक बात पड़ी, मैं खूबसूरत आपको नजराना पेश करूंगा। जब आप मुसल्ले पे खड़े हो गए, रकू में गए, सजूद में गए, वो कांटा जो नहीं निकलता था वो निकला है। आपने पूछा कि वो भाई क्या बना कांटे का,
उस लोहे के तीर का कांटे का। उनका जी वो तो निकाल लिया, आपको नहीं पता चला। आपने फरमाया जब मैं मुसल्ले से पीछे हटता हूं तो मेरा जिस्म जो है वो मिसल फौलाद के होता है, मगर जब मैं मुसल्ले पे खड़ा हो जाता हूं तो मेरा जिस्म मिसल मोम के होता है। यह तो बात ठीक हो गई अपनी जगह पर, और यही एक पॉइंट था, और इसी पॉइंट के तहत आपको हालते नमाज में शहीद किया गया। हालते नमाज में, अगर आप हालते नमाज में ना होते तो कोई दुनिया का तीरो तफंग असर नहीं कर सकता था, अगर आप हालते नमाज में होते। तो बहुत सारे मामलात, बहुत सारे सिलसिले, बड़ी खूबसूरती, मगर जब हम फोल के देखते हैं तो सिवाय आवाजारगी के कोई नहीं मिलता। नबी का कलमा तो पढ़ लिया, दाखिल तो हो गए, मगर देखना इस बात को है कि मेरे रसूल ने पसंद किसको किया, मेरे रसूल ने पसंद किसको किया। अब मुरीद और मुर्शद का रिश्ता क्या है कि मुरीद अपने पीर की तस्वीर हो, अपने पीर की तस्वीर हो, फनाफ़े शेख में हो। हजरत बायजीद बुस्तामी तारीख तसव्वुफ का पहला सुल्तान उलारिफी, बाकी सब बाद हुए, पहला सुल्तान उलारिफी हजरत बायजीद बुस्तामी, आपकी बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ। अब अपना पीर पीर ही होता है ना, जैसे भी हो, उसने बड़ी तारीफ की। आपने फरमाया हाँ मैं जानता हूँ नमाज से वो बेदार है, अच्छे कामों से वो बेदार है, हर वो काम करता है जिसमें शरीयत की गिरफ्त है। उसको बड़ा गुस्सा लगा, जब गुस्सा लगा उसको तो उसने कहा जी ये तो सारी बातें गलत हैं। आपने फरमाया गलत सही का मुझे पता नहीं, किताब मेरे सामने है, किताब मेरे सामने है, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, एक एक वर्क में आगे आगे चला रहा हूँ, उन वर्कों में मुझे कोई चाशनी नजर नहीं आई। जब चाशनी नजर नहीं आई तो मैंने सोचा कि ये तेरा कसूर नहीं है, ये उसका कसूर है जिसका तूने दामन पकड़ा हुआ है। अगर वो साहिब कमाल होता तो तुझे जरूर साहिब कमाल करता। अब वो तस्वीर जो है वो आईने में नजर आती है, आईना कैसा है, तस्वीर कैसी है, मोहब्बत रसूल से की जा रही है, कलमा रसूल का पढ़ा जा रहा है, और मेरा रसूल पसंद किसको कर रहा है, और मेरा रसूल पसंद किसको कर रहा है। अब एक मिसाल देके आगे चलता हूं, तवज्जो चाहूंगा, बूढ़ा आदमी हूं, अब बजता हुआ साज कहां से लाऊं, बूढ़ा हूं आवाज कहां से लाऊं। मेरे आका करीम ने एक लकड़ी को पसंद किया, छोटी सी लकड़ी को, जिसको मिसवाक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, मिसवाक। हम उसको आग में जला नहीं सकते, जला सकते हैं, नहीं, बोलो जी हजरत, जला सकते हैं, गली में फेंक सकते हैं, गंदगी में फेंक सकते हैं, पानी के नाली में फेंक सकते हैं, उसका रखने का भी तरीका है। ये सारी बातें क्यों है कि रसूलुल्लाह ने पसंद किया, मेरे आका ने पसंद किया। अगर एक लकड़ी बालिश्त की मेरे रसूल पसंद कर ले तो उसको भी अल्लाह ताला बड़े दर्जात अता फरमाए और बड़ी मर्जों का इलाज उसमें शामिल कर दे, इसलिए कि ये रसूल ने पसंद की। बड़ी मर्जों का इलाज दिन ब दिन तहकीक हो रही है, तहकीक आगे बढ़ती जा रही है। दहन ठीक है तो सारा कुछ ठीक है, और लकड़ी भी वो जो रसूलुल्लाह की आखिरी सुन्नत है, आखिरी, इसके बाद और सुन्नत कोई नहीं। और इस सुन्नत में एक और सुन्नत शामिल है, इस सुन्नत में एक और सुन्नत शामिल है, लिखते जाओ काम आएगी बात, इसमें एक और सुन्नत शामिल है।
वो क्या सुन्नत शामिल है? मेरे रसूल ने अपनी अहलिया मोहतरमा से हजरत आशिया सिद्दीका महबूबा महबूबे कायनात सिद्दीक की सदीका बेटी, आपने फरमाया मुझे मिसवाक दो, मिसवाक पेश कर दी गई। आपने फरमाया जरा इसे चबा के मुझे नरम करके दो। जब चबाई गई, नरम की गई, तो ये नहीं कहा कि इसे धो के दो, ये नहीं कहा कि इसे साफ करके दो। हाथ में पेश कर दी, लुआब भी उसके साथ लगा है, दहन का लुआब उसके साथ लगा है। वो मेरे रसूल ने अपने मुंह में डाली और मिसवाक करके मिसवाक वापस की। अब ये आखिरी सुन्नत रसूलुल्लाह की, और मेरे रसूलुल्लाह बारगाहे इलाही में बारात के साथ जा रहे हैं। जो लुआब के साथ आखिरी लुआब लगा वो हजरत आयशा सिद्दीका का था। अब मेरे रसूल ने पसंद किया, मेरे रसूल ने पसंद किया आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा को, तो मिसवाक मांगी, मिसवाक चबा के दे दी गई। अब मुख्तसर ये कि उस इतनी सी लकड़ी को हम बुरा नहीं कह सकते, न करें तो मर्जी आपकी, मगर उसको नफरत की नजर से नहीं देख सकते। मेरे आका करीम ने फरमाया जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया, तवातर के साथ ये हदीस है, सहासत तक की हदीस है, जिसने एक सुन्नत को जिंदा किया उसको कितने शहीदों का सवाब मिलेगा हजरत? 100 शहीदों का, 50 से लेके 100 शहीदों का सवाब एक सुन्नत से। मीठे मीठे भाई, कितनी सुन्नत? एक सुन्नत से सवाब मिलेगा 100 शहीदों का। कोई जरूरी नहीं है कि वो क्या है, सुन्नत की निशानदेही नहीं की भाई, सुन्नत कौन सी है? लफ्ज़े सुन्नत है, लफ्ज़े सुन्नत वो है जिसको मेरे रसूल ने अदा किया। अब उसमें तीन बातें हैं, एक तो खुद अदा की, दूसरों को हुक्म नहीं दिया, एक खुद भी अदा की, दूसरों को भी हुक्म दिया, एक दूसरों ने की, आपने पसंद फरमा ली, तीनों सुन्नतें बनी। याद रहो, एक वो जो खुद की, दूसरों को हुक्म नहीं दिया, रोजे रखे, दूसरों को हुक्म नहीं दिया। अब रहा मेरी तरह तुम नहीं हो, मैं मुझे मेरा खुदा खिलाता है, मुझे मेरा खुदा मुझे पिलाता है, और रोटी पक के आसमाना तो आती है भाई, शामी परांठे पक के, सहरी वेले परांठे पक के आसमाना तो आते ने पै, दूध दे प्याले आसमाना तो आते ने पै, गिनते जाइए गल्ला बड़िया बड़िया लंबिया हो जाएगियां। पिलांदा भी वो पिया, दूध दे प्याले आसमान तो आ रहे हैं। अब है लहारा मसला बंदे का, अगर वो भी बंदा है, वो भी बंदा है, वो तो तवातुर से रोजे रख रहा है, और दूसरे जो बंदे हैं उन्होंने रोजे रखे, रंग खराब हो गए, पीले पड़ गए, तो कहा मेरी हमसरी न करो, मेरा मुकाबला न करो, महफल लगी हुई है, साहिबे अकलो शऊर और दानश लोग बैठे हैं, मेरे रसूल फरमाते हैं कोई मुझ जैसा है तो लाओ। आसान सा, आसान सी बात है, कोई मुझ जैसा है तो लाओ। अब वो जो सहाबा की जमात थी, रसूलुल्लाह के कॉलेज में पढ़ते थे, रसूलुल्लाह के शागिर्दे रशीद थे, रसूलुल्लाह के मुरीद थे। अब तारुफ कराते हैं, जी ये बाबा जी साल शरीफ के मुरीद हैं, ये बाबा जी समुद्री शरीफ वालों के मुरीद हैं, ये मौलाना साहब मौला सरदार अहमद साहब के मुरीद हैं। अब इन मौलवियों के मुरीदों में तो कमाल हो सकता है जो पीरों का पीर है, जो पीरों का पीर है, जहां से पीरी चली, जहां से पीरी की इब्तदा हुई। अब वो उनको कह रहा है जो साहिबे हाल भी हैं, साहिबे इल्म भी हैं, साहिबे दानश भी हैं, जानने वाले भी हैं, पहचानने वाले भी हैं, और रब ने हर एक उलूमों में से एक इलम उनको ज्यादा अता फरमाया है।
علوموں میں سے ایک علم زیادہ عطا فرمایا ہے. وہ جو زیادہ علم عطا فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم فراست ہے جو ہر کو نہیں عطا کر سکتا. علم فراست ہے. وہ فراست کیا ہے؟ ہم آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں, وہ آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں. جب آنکھیں کھول کے دیکھا جائے تو جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہاں تک پہنچے گی, مگر جب وہ یتقرب و الیہ کی منزل پہ پہنچتا ہے تو آنکھیں بند کرتا ہے تو لا مقام کی لوح ایک قلم کے اوپر اس کی نظر پڑتی ہے. حکم ہوتا ہے یہ قلم پڑی ہوئی ہے, یہ لوح کرتاس پڑی ہوئی ہے, اب لکھ لے جو تیرا جی چاہتا ہے, اب لکھ لے جو تیرا جی چاہتا ہے. سرحند پاک کی سرزمین پر, ہندوستان کی سرزمین پر ایک ہستی پیدا ہوئی جس کا نام شیخ احمد سرہندی تھا. اللہ اکبر. جن کے متعلق اہل کفر مصنف لکھتے ہیں کہ اگر سرزمین ہندوستان پر اگر یہ بابے نہ ہوتے تو آج رام رام کی آوازیں آتی, رحیم کی آواز نہ آتی. ہندوستان میں سلام پہنچا تو ان بابوں کی وجہ سے پہنچا جو قبروں میں آرام فرما ہے, ہمارے اوپر احسان کیا. رات کو میں بات کر رہا تھا اور ایک بات کی میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں جب بھی سوچتا ہوں کہ بڑے پیارے شکلوں والے سونے سونے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھ گئے حضرت؟ مجھے یہ بتاؤ کہ جس نے 90 لاکھ مسلمان کیا تھا کوئی کتابوں کی گٹھڑی ساتھ لایا تھا؟ بتا دو. کوئی اس کے ساتھ کوئی فوج ظفر موج, کوئی گن مین تھے؟ ملک بھی پرایا, دیش بھی غیر, اور وہ بھی سارے کافر مطلق. تو ان میں آ کے ایک بندہ بیٹھ گیا ایک ٹیلے کے اوپر. رات کو کوئی ڈنڈا بردار نہیں ہے, کوئی سوٹا بردار نہیں ہے, ایک لوٹا پانی کا اور ایک چادر کندھے پہ رکھی ہوئی ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. بس بیٹھا ہے سر جھکا کے, آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے, تقدیر بدل دیتا ہے, تقدیر بدل دیتا ہے. لوح محفوظ پر لکھا کچھ اور ہے, اب کچھ اور لکھا جا رہا ہے. مگر ایک بات کی سمجھ نہیں آئی, بس مختصر کرتا ہوں. خلیفہ صاحب غور کرنا کہ کسی کو مناظرے کا چیلنج کیا ہے؟ کسی کو کہا کہ آپ مجھ سے پوچھ میں بتاتا ہوں؟ کوئی مناظرے کا چیلنج, کوئی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا, کوئی ڈنڈا سوٹا؟ کوئی نہیں. مگر مجھے بتا دو کہ کوئی آیا ہو اور خیراواں چلا گیا ہو, کوئی آیا ہو اور جیسا آیا ہو ایسا چلا گیا ہو. آیا تھا تو ناپاک تھا, اس کے کپڑے بھی ناپاک, اس کے کندھے کے اوپر جو چادر وہ بھی ناپاک. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ چادر بھی ناپاک, مگر جب گیا تو وہ خود بھی پاک, اس کے کپڑے بھی پاک, اس کے کندھے کی چادر بھی پاک, اس کی زبان بھی پاک, اس کا لعاب بھی پاک, اس کا لعاب بھی پاک. اب یہ بابے سرہند شریف کی سرزمین ہو, اپنے حجرے سے شیخ احمد سرہندی باہر نکلے تو جید عالم کے اوپر نظر پڑے, جس کو ملا طاہر بندگی لاہوری کہا جاتا ہے آرام فرمائے میانی صاحب نے نظر پڑی, بڑے غور سے دیکھا, اپنے صاحبزادوں کو کہا کہ اس کے ساتھ اس کے پاس نہ پڑھنا, اس کے پاس اب آپ نے نہیں پڑھنا. حضور وجہ میں مختصر سے مختصر کر رہا ہوں, وجہ آپ نے فرمایا اس کے چہرے کے اوپر شقی کا لفظ لکھا ہوا ہے, بدبخت کا لفظ لکھا ہوا ہے, میں نے اس کی پیشانی پہ پڑھا ہے. صاحبزادگان نے پڑھنا چھوڑ دیا, اب پیشانیاں بلا ہاتھ مار کو لکھا ہوا نظر آتا ہے, ایک دوسرے کی طرف دیکھو کوئی نظر نہیں آتا کیا لکھا ہوا, کچھ بھی نظر نہیں آتا, مت پڑھو, پڑھنا چھوڑ دیا. اب ملا طاہر بندگی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ قیوم شانی سے آپ نے فرمایا معاملہ کیا یہ ہے؟ آپ نے فرمایا پھر میری ایک عرض کر دینا, دست بستہ ایک عرض کر دینا اور مجھے معافی دلا دیں. وہ عرض کیا تھی؟ کہ جب آپ صبح نماز سے فارغ ہوں تو دو زانو ہو کے بیٹھ کے ادب سے عرض کرنا, حضور جو نگاہ شقی کا لفظ پڑھ سکتی ہے وہ سعید بھی لکھ سکتی ہے, جو شقی کا لفظ پڑھ سکتی ہے وہ سعید میں بدل بھی سکتی ہے. اگر وہ شقی ہے تو پھر عرض یہ ہے کہ سعید میں بدل دیں اس کو, یہ وہ لوگ ہیں
जो कि शकी को सईद में बदलते हैं। अब आओ वापस लौटो उस लकड़ी से मेरे हजूर मत में इसी को ही इब्तदा और इख्तिताम पे पहुंचा के सारे मामलात हल करने की कोशिश करूंगा जो आजकल तकलीफ हो रही है। तारीख ने ये कहा, तारीख ने ये कहा, मेरे आका कुछ और कह रहे हैं, वो तारीख ने ये कहा, तारीख ने ये कहा, रसूलुल्लाह की दुबान अफसल है या तारीख अफसल है, रसूलुल्लाह की दुबान अफसल है या तारीख अफसल है, रसूलुल्लाह की सोबत अफसल है या तारीख अफसल है। यहाँ पे आके मामला जो है फिर सच्चा और झूठा खुद ब खुद ही पता चल जाता है कि जुबान पर क्या है, अंदर क्या है, जुबान पर हमें क्या सबक दिया जा रहा है और अंदर क्या है, अंदर खाने बैठ के मामले क्या है। इस हमाम में बड़ी दुनिया नंगी है इसलिए कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, घर के चिराग से। घर को आग लग गई घर के चिराग से। अब वो लकड़ी से प्यार किया, मैं इसी से शुरू किया, इसी पे इख्तिताम करूंगा। लकड़ी से प्यार किया, एक दरख्त की टहनी एक लकड़ी, उससे प्यार किया और सबने उससे प्यार किया, हजारों सैकड़ों मर्दों की दवा बनी, ऐसे ही है ना, उसके ऊपर रिसाला भी लिखा गया, किताबें भी लिखी गई, प्यार किया। अब वो लकड़ियों से अफजल हो गई, बोलती नहीं मगर एक लकड़ी ऐसी भी थी जो बोलती तो नहीं थी मगर काम बड़ा कर गई। बात लकड़ी से शुरू की थी, एक टेढ़ी लकड़ी सीधी नहीं है, तीन बाल हैं उसके अंदर, मगर वो किस दरख्त की है कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। एक मकबूलाने बारगाए इलाही अकेला चल पड़ा, अकेला चल पड़ा, हाथ में आसा पकड़ा हुआ है। फर्क ये है कि वो आसा छोटा आसमान से उतरा है, हाँ वो भी कभी कभी इस्तेमाल करना पड़ता है ना, आसमान से उतरा, वो आसमान से उतरा चल पड़े। आगे बहुत सारे बंदे हैं, कुछ जादूगरों का टोला है, कहा मुझे जाने तो दो, मुझे पहुंचने तो दो। या अल्लाह, बड़ा मशहूर बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, या अल्लाह इन्होंने रस्सी फेंकी, एक नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में सांप बन गए, मैं क्या करूं। रब ने कहा ये आशा किस लिए पकड़ा हुआ, फेंक इसको, ये फेंक इसको, आशा फेंका, वो सारे सांप खा गया। अब आदमी रोटी खाए तो दो से ऊपर खाए तो पेट फूल जाता है, यही है ना, रोटी मजेदार सी चोखी खा बैठे हैं, पेट फूल गए। अब ना तो वो आशा बड़ा, ना वो मोटा हुआ, सांप सारे खा गया, रस क्या खा गया, जैसा था ऐसा, उसकी शक्ल में तब्दीली नहीं आई, ऐसा ही रहा जैसा था, खा सारा कुछ गया। का फर्क ये है कि वो किसी और का मामला था, ये महबूब का मामला है, इसकी जो निगाहबानी है वो रब कर रहा है। अब उस लकड़ी के टुकड़े को, लकड़ी की शाख को इसलिए प्यार करते हैं कि रसूलुल्लाह ने प्यार किया, मगर याद रखो कि लकड़ी जो है वो अफजलियत इसलिए पाक आ गई, हो गई, अफजलियत मिल गई कि रसूल के हाथ में आ गई, रसूल के मुंह में चली गई। मगर जरा ये बता दो, वो लोग जो बैठे हुए हैं वो हैं जो के कौन, तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ, वो लोग वो हैं जो नबुव्वत के विटनेस हैं, नबुव्वत के विटनेस हैं, नबुव्वत के गवाह हैं। अब वारदात बड़ी मजबूत हो तो फिर विटनेस भी मजबूत चाहिए। अब पहला विटनेस था, पहला ऐलान था, अब उस पहले ऐलान के लिए पहले उस गवाह की जरूरत थी जो जरा बड़ा जानदार भी हो, मजबूत भी हो, अपने ऐद का पक्का भी हो, फिरने वाला ना हो। उस गवाह को चुना गया, वो गवाह सरजमीन मदीना पर रहने वाला
जिसने सारी जिंदगी कोई गलत काम नहीं किया रसूल अल्लाह से उम्र में 2 साल छोटा या 3 साल छोटा कंधे से कंधा मिला के चलने वाला दुनिया कायनात उसको अबू बक्र कहती है, मेरे रसूल उसको सिद्दीक कहते हैं, अल्लाह के फरिश्ते अतीक कहते हैं, अल्लाह के फरिश्ते अतीक कहते हैं, मेरा रसूल सिद्दीक कहता है, सिद्दीक कहता है लकड़ी से प्यार हो तो वो बड़ा फायदा पहुंचाती है और सिद्दीक से प्यार हो तो फिर अब थोड़ा सा इसमें मैं चाशनी मिला दूं और वो काम आए कि कोई बंदा मुझसे पूछे कि जी जरा पीर साहब ये बताओ भाई आपको सबसे अच्छा प्यारा कौन लगता है, तो जाहिर मैं यही कहूंगा कि मेरा बेटा मुझे प्यारा लगता है। क्या ख्याल है, बादशाह ने एक वजीर को कहा था ना जा जो सबसे प्यारा बच्चा है ना खूबसूरत वो उठा के ले आ, वो गया ना देख भैंगा जा मुंडा नाको दा वगदा सी पिया लिबड़िया से चुक लिया, उन्हें आखिया दफा होने तेन की असि सोहना जा को मुंडा लभ के लिया एक ही चुक लिया दई, उन्हें आखिया मेरिया नजर वेखो मेरिया नजर वेखो ते तुहानू पता चले कच भी मणका ते लाल भी मणका ते इको रंग दोहां दा ते जा मुड़ सराफ दे अगे धरिए फर्क लखा कुआं दा। अब बात यह है कि पूछा किससे गया शेरे खुदा से अल अता से मौलाए मुर्तदा से अली इमाम मनस्तो मनम गुलामे अली हजार जान गिरामी फिदायत बनामे अली जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली अली मुश्किल मेरी को हल करो मुश्किल कुशा अली मेरे अली से पूछा गया अब पूछा गया मौला मुर्तदा से अली सबसे अच्छा अफजल कौन है सबसे अच्छा और अफजल कौन है, गलत हो तो जिम्मे दारू बोले बाबा बैठोगे तस्दीक करेंगे सबसे अफजल कौन, ये नहीं कहा कि मैं तो हूं ही ना मैं तो हूं ही मैं तो सबसे अफजल कौन, मेरे अली ने कहा सबसे अफजल सिद्दीक सबसे अफजल सिद्दीक और ये जुमला पहला था कि सबसे अफजल सिद्दीक और जुमला पूरा कैसे हुआ अफजल बशर बाद अलंबिया बिन तहकीक तहकीक अली की है तहकीक अली की है मेरी तहकीक नहीं है अफजल बशर तमाम बशरियत से अफजल कौन है सिद्दीक अफजल कौन है सिद्दीक कौन कह रहा है अली कह रहा है अली कह रहा है सबसे अफजल सिद्दीक अली कह रहा है सबसे अफजल सिद्दीक अली कह रहा है अब अफजल बशर सारी बशरियत से अफजल बाद अलंबिया अंबिया के बाद तहकीक तहकीक किसकी मौला मुर्तदा की तहकीक किसकी मौला मुर्तदा की हर तहकीक को गलत साबित कर दो इस तहकीक को गलत नहीं साबित कर सकते ये तहकीक मेरे मौला मुर्तदा की है मेरे मौला मुर्तदा की है सबसे अफजल वो जिसको अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अब सादिक और सिद्दीक का फर्क भी बता दो तो बस अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करता हूं सादिक और सिद्दीक का फर्क थोड़ा सा बता दूं सादिक उसको कहते हैं जो हर बात में सच्चा हो हर बात में सच्चा हो मार खा ले तो सच्चा आग पे लेट जाए तो सच्चा तीरों की छाओं में खड़ा है तो सच्चा गर्दन पे जल्लाद बैठा है तो सच्चा 6 माह का बच्चा हाथ में तड़प रहा है तो सच्चा ये सच्चे की तारीफ है वो जिंदगी के किसी मकाम पे डोलता नहीं है। अब आसान तर्जुमा क्या हुआ कि सिद्दीक वो है
जो मौके के मुताबिक देख के बात करे और वो मौके के मुताबिक हो, वो हुआ सादिक सच्चा। उसने अपनी आंखों से देखा। अब आओ फिर दरबारे मौला मुर्तजा में मैं लेके जाता हूँ। अब मौला मुर्तजा से पूछा गया कि सच और झूठ में फर्क कितना है, सच और झूठ में फर्क कितना है। मेरे मीठे मीठे साथियों, मेरे मीठे मीठे उलमा, सच और फर्क में, झूठ और सच में फर्क कितना है। आपने फरमाया करीबा, वो डर गया भी शायद मार ना दे। आपने हाथ उठाया, इधर रखा, इधर रखा। आपने फरमाया कितना है यहाँ और यहाँ में, उसने कहा जी चार अंगल। आप फरमाया सच और झूठ में फर्क चार अंगल का है, सच और झूठ में फर्क चार अंगल का है। आंखों से देख लिया, कानों से सुना नहीं, कानों से सुना आंखों से देखा नहीं। अब आंखों से देख भी लिया, कानों से सुन भी लिया, तो वो तो हो गया सच। अब सुनी सुनाई बात है, वो तहकीक करनी पड़ेगी भाई क्या है। और उसमें एक बड़ा प्यारा जुमला जो है वो मैं अर्ज करता जाऊं। एक तो जुमला, एक तो फरमान मेरे आला हजरत का कि जिसके ऊपर बड़ी तशरीह लिखी गई, तशरीह लिखी गई, वो क्या तशरीह थी कि मैं अल्लाह को कभी ना मानता इसलिए कि मैंने उसे देखा नहीं, माना इसलिए है तो मेरे रसूल का खुदा है, हमने अल्लाह को माना, तेरी देखा देखी। सरकारे उम्र फारूक जैसा जलीलुल कदर सहाबी, पत्थर को कहे मैं कभी तुझे ना चूमता, मुझे क्या जरूरत पड़ी थी तुझे चूमने की, मगर चूमता इसलिए हूँ कि उम्र की आंखों ने देखा कि तुझे मेरे रसूल ने चूमा है, तुझे मेरे रसूल ने चूमा है। अब लकड़ी की बात है, वो लकड़ी तक ही खत्म करूंगा। अब कहा कि सादिक वो जो सच्चा। अब पहाड़ी के ऊपर खड़े होके, जमीन के ऊपर नहीं, पहाड़ी के ऊपर खड़े होके वली की पहचान, वो अपनी वलायत को छिपाता है, वो अपनी वलायत को छुपाता है। वो नहीं गली गली का ढोरा फिरता लिख करता, फिर तवीज लिखा लो, तवीज लिखा लो, फाल पवा लो, ये कर लो, वो कर लो, फलान कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आजकल ये पहचान नहीं थे, विलायत दी रह गई, मिलती नहीं सी। गया साई और अंकुल पेड़ा कराया मज करो, ये जो हूँ पहचान, समझ गया संजीव। जे मैं अगे लगा जाऊँ ऑपरेशन कराना तो फिर मामला दूर टूट जाएगा, फिर बाद सारे नाराज होते रहेंगे पे बाबा खरे की कह गया। ये है पहचान। मगर वली वो होता है जो उसने सात समुंदर अपने अंदर पिए होते हैं और का किसी को खबर नहीं होती, एक तिल छिट एक कतरा मंसूर ने पिया, हालांकि जिसने पिया उसका नाम मंसूर नहीं था, उसका नाम मंसूर नहीं था। क्यों जी मंसूर था नहीं, मगर मुर्शद फिर भी लाज रख गया, मुर्शद फिर भी लाज रख गया। मुर्शद करीम था सैयद ताइफा ताउसुल औलिया, वो फिर भी लाज रख गया, मुरीद को छुपा दिया, दूसरे को आगे कर दिया, अब हिलाज को पीछे कर दिया जिसने घूट पिया था, मंसूर को आगे कर दिया। मंसूर को जी सूली मिली, मंसूर को सूली मिली नहीं थी, मिली तो हिलाज को थी। मामला ये था कि मुर्शद ने पर्दा डाला, नाम और कर दिया, मेरा मुरीद बचा रहे, मेरा मुरीद बचा रहे। एक घूट प्याला अपनी हमशीरा के, लंबी सी बात है, मुसल्ले से उठाया, चाट लिया, पर्दा हट गया, बोल पड़ा रह न सका, हजम ना कर सका। मगर जब सारा कुछ हो गया तो माई साहबा ने सलाम फेरा, उन्होंने कहा एक कतरा पिया बर्दाश्त नहीं कर सका, तूने क्या ये गजब किया, मुझको जाहिर कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीना कायनात में, मैं ही तो एक राज था सीना कायनात में। वलायत एक राज है, वलायत एक राज है, जिस राज को छुपाना है, और वो राज छुपाना बड़ा मुश्किल है, वो राज छुपाना बड़ा मुश्किल है।
बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। माई साहबा कहती है मैं सोचती थी कि जिसने एक कतरा चखा उसका ये हाल हुआ, और जिसके पास रोज प्याले अलस्त के आ रहे हैं वो पी रही है, मुसल्ले पे सर झुका के बैठी है। मामला क्या है? मामला ये है कि उसके अंदर हिलम था, उसके अंदर हिलम नहीं था, उसका मुर्शद राजी था, उसका मुर्शद राजी नहीं था, मुर्शद नाराज था। अब ये तो हो गई मुख्तसर सी विलायत की पहचान कि अपनी विलायत को छुपाएगा। अब नबूवत की पहचान क्या है कि नबूवत के साथ कोई हो ना हो वो डंके की चोट पे अपनी नबूवत का ऐलान करेगा, नबूवत का अपना ऐलान करेगा। पहाड़ी के ऊपर खड़े होके कहा सारे इकट्ठे हो जाओ, सबको पता है सारे इकट्ठे हो गए। एक बात पूछी, एक बात पूछी, वो बात पूछी मुझे जानते हो, मुझे जानते हो, ये नहीं पूछा कि मुझे मानते हो, ये नहीं पूछा कि मुझे मानते हो, क्या पूछा? मुझे जानते हो। साबित हुआ जानने में और मानने में फर्क है, बस आप समझते जाए मेरा इशारा, जानने और मानने में फर्क है। जो अबू बकर को जानते हैं वो जानते ही रहेंगे, मगर जो मानते हैं उन्हें पता है कि मकाम क्या है, रास्ता किसने बताया है। मुझे जानते हो, जानते हैं, अच्छा को मेरी सिफत बता दो। कहा तू सादिक है, तू सादिक है, सच्चा है। अब मुख्तसर करूं और खत्म करूं, नमाज असर का वक्त हो गया, फिर पकड़ गिरफ्त शुरू हो जाएगी। मामला ये, अब ये ठहरा क्या कि सादिक वो है जो मौके के मुताबिक बात करे, मगर सिद्दीक वो है जो बात करे और मौका उसके मुताबिक बन जाए, मौका उसके मुताबिक हो जाए। अब ना देखा ना भाला, घर आए, घर आके सामान रखा, आका करीम की बारगाह में पहुंच गए। मेरे आका करीम ने पास बिठाया तारीख का पहला मुसलमान, तारीख का पहला मुसलमान, बाकी सब बात, पहला मुसलमान जिसने ये नहीं कहा कि तुम नूर हो कि बशर हो, ये नहीं कहा कि हाजर हो कि नाजर हो, बस रसूल हो, बस रसूल हो, मैं मानता हूं बस रसूल हो। रसूल के लिए ये पूछना जरूरी नहीं है कि वो हाजर है या नाजर है, वो इल्मे गायब रखता है या नहीं रखता, इससे बढ़कर इल्मे गायब और क्या होगा कि जीने की मरने की खबर तो दे दी, जमीन के नीचे की खबर तो दे दी, ला मकान से ऊपर की खबर तो दे दी, अब और किसको कहा जाता है। बात लंबी हो जाएगी बहुत सारी। अब कहा कि मौका उसके मुताबिक हो, तारीख का पहला मुसलमान, पहला मुसलमान जिसको मेरे अली ने भी कहा सिद्दीक, मेरे उमर ने भी कहा सिद्दीक, मेरे उस्मान ने भी कहा सिद्दीक, सब ने कहा सिद्दीक सिद्दीक सिद्दीक। और एक राज की बातें दो करके खत्म करता हूं, कहा कि मेरी चारपाई को उठाकर कहां ले जाना, हुजरा रसूल के सामने ले जाना, और कहना क्या कि गुलाम हाजर है, कहना क्या कि गुलाम हाजर है। अब सिद्दीक अकबर का अकीदा क्या हुआ, अब सिद्दीक अकबर का अकीदा क्या हुआ कि बात कहनी उससे है जो सुने, जो सुनता है नहीं उसे करने का क्या मकसद, जो ऊंचा सुनता है डोरा है बोला है, सुनता ही नहीं है, फिर दरवाजा भी बंद है, कुंडा भी लगा हुआ है, चाबी साथ वालों के पास है, नेबर जो उनके पास है, दरवाजा रख दो। अब उन किसी ने ये नहीं कहा कि कब्र के ऊपर मनो मट्टी के नीचे तो रसूलुल्लाह जो है वो लेटे हुए हैं, यार हम क्या कहेंगे, किससे कहेंगे, वो सुनेंगे, वो तो कब्र के नीचे हैं। मगर उनका भी अकीदा वही जो सिद्दीक का अकीदा कि आका करीम मुसल्ले पे हों तो फिर भी सुनते हैं, अपने हुजरे के अंदर हों तो फिर भी सुनते हैं, अपने तख्त के ऊपर हुजरे के अंदर वो हुजरा जहां रसूलुल्लाह आराम फरमाए, कायनात की हर एक चीज से अफजल है, कायनात की हर एक चीज से अफजल है। और मुतफिक अलैह उस शाक का फैसला है कि हकीकत काबा से हकीकत मोहम्मदी अफजल है,
हकीकत मुहम्मदी अफजल है, हकीकत काबा से। अब रख देना, आवाज आई तो फिर ठीक है। अब कुंडा किसने खोला, आवाज किसने दी? अभी चंद साल हुए, आवाज सुनने वालों के कानों में तो पहचान थी ना कि ये आवाज किसकी है। ये नहीं कहा कि अंदर को बंदा छपा के बैठाया हुआ था, चोरी बिठाया हुआ था कि अंदर से चोरी चोरी आवाज दे देता, नहीं। सुनने वाले उमर फारूक थे, सुनने वाले उस्मान बिन दुरैन थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, सुनने वाले हजरत तला थे, हजरत जुबैर थे, मौला कायनात थे। अब आवाज अंदर से किसकी आई? रसूल की आई। और ये नहीं कहा कि मेरे अंदर इसकी कब्र बना दो। आवाज क्या आई? महबूब को महबूब से मिलाओ, महबूब को महबूब से मिलाओ। उधर तो ये था कि उसी के जलवे, उसी को मिलने, उसी के करीब गए थे। इधर ये कि इसी के जलवे, इसी को मिलने, इसी के करीब गए थे। अब लकड़ी से प्यार, और जिन बंदों से वो प्यार करें, उन बंदों की हम तहकीक करें, ये नहीं हो सकता कि हम उन बंदों की तहकीक करें कि जी वो बंदा, जी वो बंदा, जी जिस कायनात की चीज से मेरे रसूल ने प्यार किया, ईमान की अकमलियत इसी में है। क्या हम उससे प्यार करेंगे जिस अमल से प्यार किया, ईमान की अकमलियत इसी से है, हम उस अमल से प्यार करेंगे। और फिर कड़वी बात भी करता जाऊं, जिस बंदे से रसूल ने प्यार किया, जिस बंदे से रसूल ने प्यार किया, जिसकी हमशीरा के साथ निकाह किया, अपनी जौजियत में लिया, अपनी जौजियत में लिया, प्यार हुआ या ना हुआ? दुश्मनों की बेटी तो ब्याह के नहीं लाता, दुश्मन तो देते ही नहीं है। क्या ख्याल है मौलाना साहब कि देते हैं? ये जी हमारा दुश्मन है, वो तो उसकी बेटी रसूलुल्लाह की हरम बनी, बनी या ना बनी? रसूलुल्लाह की हरम बनी। अब जिन जिन से रसूलुल्लाह ने प्यार किया, उनसे प्यार करना पड़ेगा। यही ईमान की हकीकत है और यही ईमान की असल है। ईमान की हकीकत इब्तदा जो है, अब वो करके खत्म करता हूँ दो चीजों पर। एक चीज, अब मीठे भाई गौर कर लेना मेरी बात के ऊपर। मेरे आका करीम ने फरमाया, जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया, कितने 100 शहीदों का सवाब उसको मिलेगा। जिसने एक सुन्नत को जिंदा किया, 100 शहीदों का, और जिसने मेरी सुन्नत को तर्क कर दिया, आगे मैं नहीं कहता, मुझे डर लगता है क्योंकि मैंने वापस भी जाना है, उलमा बैठोगे समझ गए होंगे, जिसने सुन्नत को तर्क किया वो अपना हिसाब किताब खुद देख ले। अब दो बातें हैं, एक दुनिया को छोड़ना, एक मुसल्ले पे खड़ा होना। दो बातें, दुनिया को छोड़ना, मुसल्ले पे खड़ा होना। अगर मेरा रसूल मुसल्ले पे सिद्दीक अकबर को खड़ा ना करता तो इमामत तो सुन्नत होती, मुक्तदी बनना सुन्नत ना होता। मेरे रसूल ने सिद्दीक को इमाम बनाया, खुद मुक्तदी बने, और मुक्तदी बना के बता दिया कि इमाम बनना भी सुन्नत है और मुक्तदी बनना भी रसूल की सुन्नत है। दुनिया से जाकर पर्दा करके बता दिया कि दुनिया पे रहना भी सुन्नत है और दुनिया से जाना भी सुन्नत है। दानश में खौफे मर्ग से मुतलक बेनियाज, मैं जानता हूँ मौत है सुन्नत हजूर की। अब बातें लंबी हो जाएंगी, मेरे फैयाज साथियों अपने आप को जरा थोड़ा सा दुरुस्त करें, बस आखिरी बात, अपने आप को थोड़ा सा दुरुस्त करें। हमारे अंदर बड़ी गलती आ गई, हमारे अंदर बड़ी खताएं आ गई हैं। खताएं क्या आ गई? ओ जी नमाज ही पढ़ देना, ओ जी नमाज क्या अब मामला हुआ, ओ जी इबादत ही कर देना, ओ जी ये भी कर देना, ओए कर्म करना जी बड़ा फर्क है, समझ गए? अब मैं वो अगर उधर चला जाऊं तो फिर कड़वी बात हो जाएगी ना, करण करण निश्चित फर्क पड़ा, बड़ा फर्क है। मैं किया क्या है, इशारा में दे दिया, आए कह दिया मौलवी दो कलमे ना पढ़ाण तो लग पता जाए सारे ने, करना ही है ना, तो जो मौलवी दो कलमे ना पढ़ाण तो लग पता जाए करण का कोई तरीका है। वो बात जिसको मेरे रसूल ने पसंद किया, वो सिद्दीक जो मेरे रसूल का उस वक्त भी यार था, आज भी यार है। कयामत के दिन मेरे रसूल ने फरमाया, एक हाथ सिद्दीक का होगा, एक हाथ उमर का होगा, मेरे आगे और पीछे अली और उस्मान होंगे, और हम चलते चलते जन्नत में जाएंगे। अल्लाह करीम इस बरजम रजम को सलामत रखे।
इस दरवेश खलीफे को सलामत रखे, सलामत रखे, आपका आना कबूल फरमाए, आपके हाजात जो है वो पूरी फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अंदाज़े बयां अगरचे बहुत शौक नहीं है, मुमकिन उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, मैं अर्ज करूंगा दो शेर सलाम के पढ़ा दे ताकि हमारी सुन्नत पूरी हो जाए और हमारी पहचान मुकम्मल हो जाए। शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, नौशाए बज़्मे जन्नत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, डाल दी कलब में अजमत मुस्तफा, डाल दी कलब अज़मते मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। प्यारे रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल। सारे साथी बैठ जाए, तशरीफ रखें, एक दफा लब शरीफ पढ़े, तीन दफा कुल शरीफ पढ़े और दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व आलि, आमीन। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم। तेरी रहमत से या इलाही पाएं ये रंग कबूल, फूल कुछ हमने चुने हैं उनके दामन के लिए। मेरे अल्लाह महबूब करीम के सदके से इस महफिल को, हम मिसकीनों की हाजिरी को दर्जा इस्तजाबता फरमा, कबूल मंजूर हजूर फरमा। या अल्लाह अपनी रहमतों और बरकतों से माला माल फरमा। ये कुछ जो कुछ भी इस दरवेश से बन पाया, साथियों से बन पाया, बच्चों से बन पाया, तेरा कुर्ब हासिल करने के लिए तेरी गबारगाह में हाजिरी है, शर्फ़ कबूलियत दर्जा इस्तजाबता फरमा, कबूल मंजूर हजूर फरमा। हदिया अकीदत नदराना अकीदत हदियतन तोहफतन नबी मुकर्रम नूरे मुजस्सम आका करीम रहमतन लिल आलमीन शफी अल मुज़नबी हामी बेकसां दस्तगीर बेकसां कम्बल पोशाका की बारगाह में हाजरी है, मेरे अल्लाह तू कबूल फरमा। हबीबी सैयदी या रसूल अल्लाह, हम आजों मिसकीनों के हदियतों पे कबूल फरमाए। मेरे अल्लाह मेरे मुस्तफ़ा करीम के तवसल करीमा से तमाम अंबिया और रसूल असहाबे पाक खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन असहाबियात अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन अबनात रसूल खातून जन्नत जुमला अहल बैत अतहार अशराब बशरा ताबईन तब ताबईन शहीदान बदर शहीदान उहूद शहीदान इस्लाम शहीदान करबला हसनैन करीमैन माइयाँ पाकां बीबियाँ पाकां सब की बारगाह में दस्त बस्त हाजरी तू कबूल फरमा। तमाम सलातल के औलिया कामिली बुजुर्गान दीन उलमाए रब्बानी जीन जितने भी मेरे मुस्तफ़ा करीम के उम्मती आशिक सादिक दुनिया से चले गए सब की बुलंदी दराजात के लिए हाजरी है, मेरे अल्लाह तू कबूल फरमा। मशाइख की बारगाह में हाजरी है तू कबूल फरमा, और बिलखसूस नजर मुअय्यन सरापाए सिद्को सफ़ा सरापाए सिद्को सफ़ा यार फिलगार
हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हम आजिज़ों के ये टूटे फूटे नजराने हैं, मेरे अल्लाह कबूल हो जाए, मंजूर हो जाए, मकबूल हो जाए। या अल्लाह सदाकत सिद्दीक का वास्ता और सदका, मेरे अल्लाह हमारी मुश्किलें आसान फरमा, हमारी दुआएं कबूल फरमा, बीमार हैं सेहत अता फरमा, कर्जा है निजात अता फरमा। या अल्लाह सिरात मुस्तकीम अता फरमा, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमारी गलतियां, हमारी कोताहियां, हमारी सुस्तियां, हमारी कहलियां दूर फरमा। या अल्लाह पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, अपनी बारगाह में सर झुकाने की तौफीक अता फरमा, अहलुल्लाह से मोहब्बत की तौफीक अता फरमा, सहाबा पाक का अदब और मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमा, दीन दुनिया की रहमतों बरकतों नेमतों से सबके दामन भरपूर फरमा। मेरे अल्लाह तमाम दोस्तों की हाजिरी कबूल फरमा, जिन साथियों ने कलम तेरा में सुखने इस दरवेश का हाथ बटाया, मेरे अल्लाह सबको अपनी रहमतों और बरकतों से माला माल फरमा, सबके दामन भरपूर फरमा, सबकी हाजिरी कबूल फरमा। या अल्लाह सुबह का जागना नसीब फरमा, मुख्तलिफ किस्म की लानतों से हमें निजात अता फरमा। या अल्लाह मुख्तलिफ किस्म की लानतों से हमें निजात अता फरमा, बवक्त जरूरत टेलीफोन इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा, बवक्त जरूरत टेलीफोन इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमा, गैर जरूरी वक्त में टेलीफोन इस्तेमाल करने की तौफीक मेरे अल्लाह हमसे छीन ले, हमें ना अता फरमा। या अल्लाह वालिदैन का अदब अता फरमा, वालिदैन की मोहब्बत अता फरमा, बुजुर्गान दीन की मोहब्बत अता फरमा, उस्तादों की मोहब्बत अता फरमा, बुजुर्गान दीन की मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह हमें आमाले सवाले की तौफीक अता फरमा, हमें हजूर सरवरे कायनात का पक्का सच्चा उम्मती बना, पक्का सच्चा जो है वो गुलाम बना, और हर एक सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तो हमारी दुआएं जो जुबानों पर है वो भी कबूल फरमा, जो दिलों के अंदर है वो भी कबूल फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।